आपका स्वागत है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश की आज की इस वीडियो में। और जानेंगे कि आज हम क्या इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 10 और कक्षा 10 में हम क्या पढ़ेंगे, वो रहेगा हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें रहने वाला है खास आज हमारी इस वीडियो में देखेंगे, हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है ये मेथड और कहां इनका उपयोग हमने करना है? जी हाँ, यही क्वेश्चन आपके माइंड में अवश्य गूंजना चाहिए था। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने पहला चैप्टर पढ़ा था माध्य का, माध्य निकालने का, जो हमने पहली विधि याद की थी दैट वाज प्रत्यक्ष विधि, वो थी हमारी प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपने वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकाला था एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, आपको याद होगा शायद। That was direct method और प्रत्यक्ष विधि, उसका उपयोग हमने कब किया था? जब हमारे पास छोटे क्वेश्चन आते थे, ठीक है, मतलब there is no problem of multiplication, तो हम उसका method का use करते थे, direct method का। But when we have a type question कि उसकी जो entries है वो बड़ी बड़ी है, उसको हम simple multiply नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करें, हमारे पास क्या कोई अलग method भी है? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे comments मुझे मिले थे बच्चों के द्वारा कि सर एज्यूम्ड मेथड भी आप एक बार समझा दीजिए। तो आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है एज्यूम्ड मेथड और कल्पित माध्य के ऊपर। इस तरह से हम इस मेथड से माध्य निकालना सीखेंगे। और तीसरा स्टेप डेविएशन है, इसकी जो वीडियो है वो नए सीक्वेंस में आपको मिलेगी। सो एज्यूम्ड मेथड, कल्पित माध्य आज हम पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे ये देखते हैं। कल्पित माध्य विधि कब प्रयोग करनी है? जी हाँ, एज्यूम्ड मेथड कब अप्लाई करना है एंड व्हाई? देखिए, इसका सरल भाषा में यदि मैं आपसे बातचीत करूं, जब आपके पास दिए गए मान एक बड़ी संख्या के रूप में हो, जैसा कि मैंने पहले कहा हम उसको मल्टीप्लाई ना कर पाए, तो आपने एज्यूम्ड मेथड का उपयोग करना है। यदि आपके पास मान छोटे हैं तो आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट मेथड लगा के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन देखकर आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, कल्पित माध्य एज्यूम्ड मेथड भी लगा सकते हो एंड स्टेप डेविएशन भी आप लगा सकते हो। दूसरा, हम इस मेथड को कब यूज कर सकते हैं कि जब आपका प्रश्न प्रत्यक्ष विधि से हल ना हो पा रहा हो, when the question is not you can find don't find the solution of this question by the direct method, तो आप इसका यूज भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जब प्रश्न के मान दशमलव में दिए हो, मतलब इफ दिस एंट्रीज इन डेसिमल, अगर दशमलव में है तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है, तो आप यहां से इसको मेथड को अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, जब आप कुछ नया सीखने की चाह रखते हो, जी हाँ, अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश आपके लिए यही दल आता है कि जो नया सीखने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही मजेदार है, बहुत ही फायदेमंद है। तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। सो रेडी टू लर्न द न्यू मेथड दैट इज एज्यूम्ड मेथड। इसको हम करेंगे कैसे, उससे पहले इस विधि में हम करेंगे क्या, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। इस विधि में हम मध्य मान जो हमारा एक्स आई एक होता है वर्ग अंतराल के बाद वाला कॉलम एक्स आई मध्य बिंदु, उसकी सारी वैल्यूज को हम निकालते हैं एक्स आई में से कोई, और उनमें से हम कोई एक किसी एक का मान ए मान लेते हैं, ए फॉर एज्यूम्ड मतलब कल्पित, उसको हम आंसर मान लेते हैं कि दिस इज अवर आंसर। अब ये ए होगा कौन और इसको हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। जितने भी वर्ग अंतराल में आपके पास एंट्रीज होती है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, मान लो इनकी संख्या 8 है, तो उनका जो मध्य पॉइंट होगा 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, जो मध्य का पॉइंट होगा वो आपने एज्यूम्ड मान लेना है और उस वैल्यू को आपने मानना है ए, लेकिन वो वैल्यू कौन सी होगी, एक्स आई उनका मध्य बिंदु निकालने के बाद, जी हाँ वो होगा आपका ए। और उसके बाद एक कॉलम आपने एक एक्स्ट्रा इसमें बनेगा दैट इज डी। डी क्या हो जाएगा आपके पास, डी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो आपने एक और कॉलम बनाना है डी, उसको हम डी आई का नाम देंगे एंड डी आई विल बी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब पहला मध्य बिंदु माइनस ए, दूसरा मध्य बिंदु माइनस ए, तीसरा माइनस ए, चौथा माइनस ए, फिर पांचवा माइनस ए, छठा, सो ऑन, जो भी आपके पास वैल्यू होंगी। दिस मेथड वी चूज एन ए फ्रॉम मिडल वैल्यू एक्स आई एंड देन फाइंड एक्स आई माइनस ए। आओ किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे माध्य निकालने का। ये देखिए, फाइंडिंग द मीन, मीन का फॉर्मूला जो है ये
हमारा एज्यूम्ड मेथड के माध्यम से माध्य मीन एक्स इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई समीशन ऑफ एफ आई। ये ए क्या है? ए रहने वाला है आपका एज्यूम्ड मेथड, जो हमने एज्यूम किया है ए। समीशन एफ आई डी आई ये क्या होगा, इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले ए दैट इज एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य जो हमने एज्यूम किया है। ज्यादा जानकारी है तो आपको केवल प्रश्न से ही मिलेगी, वो हम करने वाले हैं। अगला हमारा पॉइंट रहेगा समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ये वाला पॉइंट। ये क्या है? ये एफ आई भ्रमवार्ता और डी आई जो कि अभी आपको बताया कि एक्स आई माइनस ए का निकला, उनको मल्टीप्लीकेशन करके जो टोटल एंट्रीज उनको हमने प्लस करना है ऊपर से नीचे, उसको बोलेंगे एफ आई डी आई। और तीसरा आपको पता है समीशन ऑफ एफ आई, बारंबारता की जितनी भी एंट्री है उनका हम प्लस करेंगे और एफ आई निकालेंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं एक प्रश्न। उदाहरण आपके पास दिया है कि 30 नियॉन बल्ब का जो लाइफ टाइम है, जीवन काल है, दैट इज गिवन, और आपने निकालना है वन बल्ब का मीन लाइफ टाइम। आपने क्या निकालना? माध्य जीवन काल उस बल्ब का निकालना है। तो क्वेश्चन इन द टेबुलर फॉर्म किस तरह से दिया है, ये रहा आपके पास। ये लाइफ टाइम यहाँ पर वर्ग अंतराल में दिया है, क्लास इंटरवल्स दिए हैं इस तरह से, और ये है नंबर ऑफ बल्ब, मतलब ये है बारंबार। अब देखिए बच्चा, मैंने आपको क्या कहा था, हमने करना क्या है, सबसे पहले तो मध्य बिंदु निकालेंगे, दैट इज एक्स आई, वो हमारा होगा पॉइंट एक्स आई यहाँ पर। उसके बाद ये है फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम नाम देंगे एफ आई, सॉरी। तीसरा एक पॉइंट होगा हमारा डी, दैट इज एक्स आई माइनस ए, और फिर होगा एफ आई डी आई। सिंपल चार स्टेप है। यही जो अगला टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लीज उसके ऊपर आप 2 मिनट दे दें, क्योंकि वही टेबल यदि आपके समझ में आएगा, पूरा का पूरा एज्यूम्ड मेथड विल बी क्लियर। देखिए कैसे हम उस मेथड को सॉल्व करें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। वर्ग अंतराल 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 एंड सो ऑन। ये मध्य बिंदु हमने निकाला। मध्य बिंदु कैसे निकालना है एक बार आपको फिर मैं बता देता हूँ। 1500 प्लस 2000, इनको प्लस किया, उसके बाद बटा 2। 15 प्लस 20 3500, 3500 का बटा जब 2 किया तो कितना है 1750। इस तरह से 2000 और 2500 का बटा किया, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमने सबके मध्य बिंदु निकाल लिए। फिर करना क्या है उसके बाद? बारंबारता एज इट इज एफ आई। अब ये ए कौन होगा और इसको कौन डिसाइड करेगा, ये हम कहां से निकाल पाएंगे, ये बहुत आवश्यक है समझने के लिए, देखते रहिएगा। देखो बेटा, मध्य बिंदु में से ही हमने ए लेना है, केवल मत बारंबारता से नहीं लेना है। कुछ बच्चे यहां से ए लेते हैं, नहीं, एज्यूम्ड आंसर हमारा यहीं से आएगा, मध्य बिंदु, क्योंकि हम बारंबारता की बात करें ना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कौन आंसर हो, यहां से यहां वाला मध्य बिंदु होगा। अब इसको हम पहले काउंट करेंगे। देखो 1 2, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, यहाँ पे 7 वैल्यूज है। तो ये हम काउंट करें 1 2 3 4, और नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो दिस इज द मिडल वन, ये बिल्कुल मिडल में आ रहा है, और इसको हम नाम देंगे ए। दिस इज आवर एज्यूम्ड, मतलब ये समझ लो हमने एक तुक्का मार लिया है, एंड दिस इज आवर आंसर, 3250 आंसर है। अब जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो आपका क्वेश्चन राउंड अबाउट होगा 3200 से थोड़ा सा ऊपर या 3200 से थोड़ा सा नीचे, ये हमने पहले ही तुक्का मार लिया, दिस इज अवर आंसर। अब करना क्या है बेटा, डीआई कैसे निकालना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ आपको। डीआई मतलब D1, D2, D3, D4, एक्स आई मतलब यहाँ पर X1, X2, X3, X4, तो जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे से आपने चलना है। मैंने एक आपको एंट्री यहाँ पे सॉल्व करके दे दी है। इस तरह से देखो, डीआई पहली वैल्यू हमारे पास है 1750, तो 1750 माइनस ए, व्हाट इज ए, 3250, मतलब एक्स आई माइनस ए। आपने इसमें से देखो, इसमें से इसको माइनस करना है, पहले स्टेप में 1700 माइनस 3200 माइनस 1500 आएगा, क्योंकि 3200 तो बड़ा है, तो इसका आंसर हमने माइनस 1500 लिख लिया। अगला स्टेप में बाद में सॉल्व करता हूँ। दूसरी बार आपने इसको माइनस करना है और 3200, तो आंसर कितना आएगा, माइनस 1000। फिर आपने 2750 में से 3250 घटाना है, आंसर कितना आएगा, माइनस 500। उसके बाद आपने 3250 में से ही 3250 खुद घटाना है, तो आंसर कितना आएगा आपका, 0। फिर आपने 3750 में से 3250 घटाना है, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें से घटाना है, यह ध्यान रखें आप, आपका आंसर आएगा प्लस 500। फिर 4250 में से घटाना है प्लस 1000, और फिर 4750 में से प्लस 1500। एक आपको मैं अमेजिंग की बात बताऊं बेटा, यहाँ पे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आप ध्यान से इन आंकड़ों को देखो तो यहाँ पर जितना भी आपके पास माप, इसका माप होता है, माप आपको बताया ना, वर्ग अंतराल का माप, सीमा कितनी है इसकी, 500,
तो 500 की रेंज में जहां पर आपका एज्यूम्ड मेथड होता है, ये देखिए एज्यूम सॉरी जो एज्यूम वैल्यू होती है वहां से माइनस वाली वैल्यू ऊपर को बढ़ाते चलो 500 की रेंज में, और नीचे को प्लस की वैल्यू बढ़ाते चलो 500 की रेंज में। देखो -500, फिर 500 कर दिया -100, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर इस तरह से नीचे को भी 500, 1000, 1500, 2000, ये ऊपर भी 500 नीचे, ये कितनी वैल्यू बढ़ती है जितना आपका वर्ग का माप होता है। ये आपको मैंने अलग से एक चीज बताई। अब करना क्या आपने, सिंपल है, एफ आई और डी आई इन दोनों को मल्टीप्लाई। व्हाट इज एफ आई, ये देखिए यहाँ पर दिस कॉलम इज एफ आई एंड दिस कॉलम इज डी आई, मतलब आपने मल्टीप्लाई किस किस को करना है, 4 और 15 -1500, जो मल्टीप्लाई किया कितना है आपके पास -6000, -1000 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो -3000 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए 8 गुणा 0 किया तो 0 आया, यहां पर 500 गुणा 4 किया तो +2000, 2 गुणा 1000 किया तो +2000, और 3 गुणा 1500 किया तो +4500। नाउ समीशन किस किस का निकालना था आपने, इसको छोड़ दिया कुछ नहीं करना है, समीशन ऑफ एफ आई ये यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्लस आपको दिया है कि 30, मतलब क्या आपके पास तो टोटल कितना आएगा 30, इसका कोई भी प्लस आपने नहीं करना है। उसके बाद समीशन ऑफ एफ आई डी आई, इसका प्लस कैसे करेंगे, इसमें आधी वैल्यू तो माइनस की है और आधी वैल्यू प्लस की है, तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस वालों को हमने प्लस कर दिया, 6 और 3 9, 9 और 3 12000। ये देखिए यहाँ पर -12000, शायद यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, -12000, और यहाँ पर जो दूसरा है 4 और 2 6 सॉरी 2 और 2 4, 4 और 4 कितना 8, 8500, ये प्लस का। यहाँ पर -1200 +8500, जब मैंने इसको माइनस किया तो आपके पास कितनी वैल्यू भाई यहाँ पर -3500। बस इन वैल्यूज को आपने ध्यान रखना है और अगला जो हमारा हमारा आंसर है वो अगले स्टेप में आने वाला है। अब हम जानेंगे मीन माध्य का फॉर्मूला, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एज्यूम्ड मेथड जो आपने अभी पीछे देखा था, एज्यूम कितना था 3250, हमने वैल्यू ए से लिख ली। समीशन एफ आई डी आई, इसका जो समीशन निकाला था वो कितना आया था -3500, और समीशन ऑफ एफ आई जो टोटल था वो कितना था आपके पास 30, इसको यहाँ पर डाल दिया। 3250 का लिखा आपने, 3250 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 3500 बटा जब 30 किया तो 0 से पहले 0 कट गई, और 350 को 3 से डिवाइड किया तो 116.67, ये रहा आपका माध्य यानी कि मीन 3250 -116, और आंसर कितना आया 3133.33। ये मैंने आपको क्या कहा था, जो हमने एज्यूम्ड ए एज्यूम किया था उसका आंसर कितना था 3250, और हमारा आंसर कितना आया 3133, तो आसपास है ना। ये था हमारा तुक्का, एज्यूम्ड कल्पना करने का मेथड हम इसको कहते हैं, तो ये हमारा आंसर इस तरह से निकला। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और अगली सीक्वेंस में हम लेकर आएंगे लास्ट टॉपिक जो सांख्यिकी का बिल्कुल अंतिम टॉपिक होगा, और वो है पग विचलन, एक स्टेप उसमें और है, इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। इस चैनल के साथ देखते रहिए अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश, और आप इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा, अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। थैंक यू वेरी मच।